हेलो गाइस, वेलकम टू चैप्टर 1 पार्ट 5। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रेडिक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए आज की शानदार सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वाली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो हम सीखने वाले हैं एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसका मतलब ये है कि तो जो कुछ सब्सटेंस होते हैं वो ऐड होते हैं सोइल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन के फॉर्म में वो ऐड होते हैं और जो अपने प्लांट और जो क्रॉप होता है उसकी ग्रोथ को हेल्प करते हैं, अच्छी ग्रोथ को हेल्प करते हैं, उन्हें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। पास वाला है मैन्योर्स और इस साइड वाला है फर्टिलाइजर। इनके नीचे मैं नाम भी लिख देता हूँ, तो ये नीचे वाला मैन्योर है और इस साइड वाला फर्टिलाइजर है। अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, क्या मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होता है। तो सबसे पहले इनके एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्योर की। मैं इसमें 2 एडवांटेज बताने वाला हूँ, आप बाकी पढ़ सकते हैं कहीं और से। चलिए 2 पढ़ते हैं। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, इट मेक्स द सोइल प्योर ड्यू टू विच एक्सचेंजर, मतलब आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ था कि ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है मैन्योर की, ये अनचेंजेस होती है, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा हुआ था वो बता देता हूँ। तो ये जो है सोइल को पोरस बना देता है, जिससे कि क्या होता है कि अपना जो सोइल में गैसेज होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती है इजीली। अब अपने पढ़ते हैं फर्टिलाइजर के एडवांटेज के बारे में, ठीक है। फर्स्ट है, इट इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इंप्रूव्स पुअर क्वालिटी लैंड, ठीक है। इसका मतलब है कि जो अपने क्रॉप होते हैं उनको ये जो है इनकी यील्ड को ये इम्प्रूव कर देता है, मतलब जो अपने क्रॉप अपन उगाते हैं वो काफ़ी हद तक उगते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा उगते हैं, अच्छे उगते हैं, और ये जो अपनी जो सोइल होता है उसको भी अच्छा करता है। सेकेंड है, बेस्टर इट इम्प्रूव सो एनिमल्स फैटर अप क्विकली। इसका मतलब है कि वो अपने गाँव वगैरह में एनिमल्स के लिए खाना लाते हैं ना, उस वो खाना भी थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे क्या होता है एनिमल फैटर होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होते हैं। अब इन दोनों के बारे में अपने डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो इन दोनों के बारे में डिफरेंस लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ए फर्टिलाइजर इज एन इनगोरिक साल्ट, और मतलब ये फर्टिलाइजर होता है एक तरफ का साल्ट होता है। मैन्योर में क्या है, ए मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय, मतलब कि जो सब फर्टिलाइजर होता है वो मैन मेड होता है और जो मैन्योर होता है वो नेचुरल होता है, जो कि प्लांट वेस्ट एनिमल वेस्ट इनसे बना हुआ था, ह्यूमन वेस्ट से। तो नेक्स्ट है, ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड फॉर फैक्ट्री, ये फैक्ट्रीज में बनता है और ये घर की यील्ड वगैरह में, मतलब घर में ही बन जाता है। थर्ड है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रूव बाय ह्यूमस, इसमें ह्यूमस नहीं होती है और इसमें ह्यूमस आई थिंक होती है, हाँ इसमें ये लिखा है। नेक्स्ट है, बता देता हूँ आपको मैं, और फर्टिलाइजर के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है और उनके अंदर नहीं होती ज़्यादा, मतलब फर्टिलाइजर में होती हैं अब, मतलब है ना। और आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, और मैंने जैसा कि आपको कहा था, प्रॉमिस वगैरह किया था कि सब्सक्राइबर ग्राफ दिखाऊंगा, तो ये अपना सब्सक्राइबर ग्राफ, मतलब इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, मतलब ये जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ ना, इसका मतलब आप समझ लो मेरे को क्या आ रहा है, मतलब भाई इतना कसम से इतना रोना आ रहा है ना कि आप सब्सक्राइब करते ही नहीं हो यार, ये जो बटन दिखा रहा हूँ ना यार, प्लीज़ इसे क्लिक कर दो। मतलब अभी तक 100% बंदों, मतलब 4000 बंदों में से सिर्फ 2% बंदों ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो यार जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है ना, उसे प्लीज से ग्रे कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो यार, मतलब अभी तक पूरी वीडियो देख रहे हो। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज है 100 सब्सक्राइबर्स के, 100 सब्सक्राइबर भी आने वाली है। फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो जल्दी से करवा दो यार, क्या कर रहे हो अभी तक नहीं किया। तो मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो एक लाइक करके जाना। और आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर से देके जाना। बाय बाय।